हैं कि यहाँ पर ये देखिए ये एक दो तीन देखिए बोलिए क्या बोले क्या बोल रहे हैं ये देखिए भाई क्या कहेंगे आप रॉन्ग मार रहे भाई रॉन्ग मार रहे हो आप जल्दी पहुंचने में रहती है एक्सीडेंट हो जाए कुछ भी हो जाए बाद में बोलोगे कि यहाँ की सरकार का ऐसा हुआ वैसा हुआ रॉन्ग मारा मैं तो आपको देख के रुक गया। अच्छा हमको देख के रुक गया बिल्कुल मैं बोला आप भिमंडी का कम से कम कुछ दिखा तो रहे हैं यहाँ तो भिमंडी के बारे में कुछ दिखाने वाला भी नहीं है। अरे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी ज्यादा लोग रॉन्ग मारते हैं उस पर आपका क्या कहना है? वो ट्रैफिक पुलिस वालों की गलती है ना ट्रिपल सिटी की इसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये टेबल सीट जो आ रहे हैं ये देखिए वहीं से मुड़ गए भिवंडी की पब्लिक सुधरने वाली नहीं चाहे वो एक्सीडेंट से मरे चाहे खड्डी खुड्डा से मरे मरना पसंद करती है मगर कानून को फॉलो नहीं करती है। आप सही बोलेंगे ना लोगों को पागल बोलेंगे आपको पहले ऐसे मैं भी करता था। भिवंडी की जो जनता है उनको कोई चीज़ का लेन लेवन नहीं है बस हमें पहले निकालना। और ये जो है अभी रमजान महीने में इधर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें जो 3 व्यक्ति की जान जगह पे गई थी। रिस्पॉन्स देने को भाई रॉन्ग मार रहे हो ये देखिए ये भी देखिए फैमिली के साथ है फिर भी ये शख्स इन्होंने रॉन्ग मारने की तैयारी में थे। और इधर जाके देखिए और आप खाली 200 मीटर की दूरी पर जाओगे महेश चौगले साहब के हाफी से और ये वार्ड उनके इसमें आता है वो भी तवज्जो नहीं देते। एरिया के MLA साहब से तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। भिवंडी शहर में 2 MLA 1 मंत्री है और भिवंडी सबसे घटिया शहर हो गया है। ऐसा क्यों क्यों जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? रास्ता खराब होने के कारण हमें रॉन्ग जाना पड़ रहा है। अभी ज्यादा दिक्कत हो रही है बोलो खड्डे कितने देखो रोड पे देखो वो देखिए वहाँ पे एक ऑटो रिक्शा देखिए फंस चुका है वहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं लोग बोलते जब आप ऐसा करोगे। देखिए राजीव गांधी उड़ान पुल के जस्ट बाजू में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने गहरा खड्डा है जिसके वजह से आप पीछे देख सकते हैं पूरा यातायात जो है स्लो हो गया है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक दिख रही है इसी खड्डे के वजह से क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रोड जो है नैरो हो चुका है जिसके वजह से आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बोलो खड्डे कितने देखो रोड पे देखो भाई खड्डे बहुत खराब है तकलीफ बहुत दे रहा है गाड़ियाँ पलटी हो जाती हैं। हाँ देखा आपने किस तरह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान है खड्डों से और भिवंडी में खड्डा है कि खड्डे में भिवंडी अब समझ में नहीं आ रहा है। वो देखिए वहाँ पे एक ऑटो रिक्शा देखिए फंस चुका है वहाँ पर बाबा ये वही में रॉन्ग भी आ रहे भाई रॉन्ग आ रहे हो आप क्यों ऐसा क्यों क्यों जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? रास्ता खराब होने के कारण हमें रॉन्ग जाना पड़ रहा है। नहीं चाहती बोलो जिंदगी जीना नहीं चाहती जिंदगी जीना है तो सही चलो राइट से सही से जाइए। वो देखिए वहाँ पे भी एक बच्चे को लेकर बच्चों को लेकर भी रॉन्ग मार रहे हैं। दी राइट वे इंस्टीट्यूट भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एजुकेशन हब बनता जा रहा है जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी दिलाई जा रही है। पैरामेडिकल कोर्सेज के साथ साथ आपको भिवंडी के टॉप हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका भी दिया जाएगा जहां आपको रियल टाइम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। इंस्टीट्यूट के जरिए 2022 में तकरीबन 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को IT सेक्टर हॉस्पिटल एंड अदर इंडस्ट्रीज में प्लेसमेंट दी जा चुकी है। इस तरह इंस्टीट्यूट में 2023 के लिए न्यू बैचेस भी बनाए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट में पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे नर्सिंग ANM GNM MLT DMLT रेडियोलॉजी डायलिसिस OT टेक्निक्स और गायनोकोलॉजिस्ट असिस्टेंट इसी तरह से IT सेक्टर में फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ASP.NET MVC और सेफ्टी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जैसे 50 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टरेट कोर्सेज जैसे MBBS BUMS BHMS BDS के लिए भी एडमिशंस कंसल्ट किए जाते हैं। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रابطہ करें। हेलो फ्रेंड्स लाइव इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है राजीव गांधी उड़ान पुल जो कमला होटल की तरफ आके उतरता है हम उस जगह पर खड़े हैं। यहाँ आने का मकसद ये है कि भिवंडी में हम देख रहे हैं जिस तरह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक कर रहे हैं और एक ट्रैफिक की खास वजह ये आ रही है कि ट्रैफिक रूल की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है यहाँ की पब्लिक द्वारा हम वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।
और जो पब्लिक जो है किस तरह से आप देख सकते हैं कि रॉन्ग मारती है, जो कि उनको वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाया रहता है आरटीओ की तरफ से कि यहाँ रॉन्ग टर्न है, उसके बावजूद यहाँ के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग मारते हैं। मैं अभी और एक चीज़ इसमें दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से यहाँ पर हम जब ब्रिज की शुरुआत में आएंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा भी है। ये देखिए यहाँ पर एक इतना बड़ा खड्डा है जिससे आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बड़ा घातक हो चुका है। ये देखिए किस तरह से ये जाए जाए। ये देखिए ये कम से कम 1 फीट का खड्डा है ये, और यहाँ पे जो है किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता है। और हम आप जो आपको अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो किस तरह से रॉन्ग आते हैं, यहाँ पर एक शख्स है जो रॉन्ग मारने की कोशिश कर रहा है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों रॉन्ग आ रहे थे। भाई साहब आप रॉन्ग मारने जा रहे थे? इधर मैं रॉन्ग मारा, मैं तो आपको देख के रुक गया। अच्छा, हमको देख के रुक गया। बिल्कुल, मैं बोला आप भिमंडी का कम से कम कुछ दिखा तो रहे हैं, यहाँ तो भिमंडी के बारे में कोई दिखाने वाला भी नहीं है। अच्छा, कोई चैनल वाला। हम यहाँ पे देखते हैं कि कई लोग जो इस ब्रिज पर काफी ज्यादा रॉन्ग चलते हैं, उसके आपका क्या कहना है? ये ट्रैफिक पुलिस वालों की गलती है ना भाई साहब, आप रॉन्ग आ रहे हो। रॉन्ग नहीं है, आप यहाँ अभी रॉन्ग है कि नहीं? और कुछ दिखाओ ना सर, भिवंडी के गड्ढे दिखाओ ना। अभी मैं वहाँ पे खड्डे ही दिखा रहा था, तो जब यहाँ पे देखा कुछ लोग रॉन्ग मार रहे हैं तो मैं आप यहाँ से बातचीत करने गया। आप पहले इस पे बताइए कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वो काफी ज्यादा लोग रॉन्ग मारते हैं, उस पे आपका क्या कहना है? वो ट्रैफिक पुलिस वालों की गलती है ना। अच्छा, ये ट्रैफिक की एक बड़ी वजह नहीं बनते जा रही है? ट्रैफिक की एक बड़ी वजह नहीं बनते जा रही है? ट्रैफिक की बड़ी वजह भिवंडी के खड्डे भी बनते जा रहे हैं ना। अच्छा, खड्डे भी है, तो आपका बोलना है कि खड्डे भी है और ये भी? बिल्कुल, भिमंडी खड्डे महानगर पालिका की कमियां हैं जो उसको सुधार नहीं रही हैं, जनता के ऊपर देवदान देश के। आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं किस तरह से ये शख्स रॉन्ग मार रहे हैं। अभी हम वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि वो राइट में चले जाए, मगर अभी आप देखिए। तो आपको देख के यहाँ पर रुक गया। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि जब उसी हम देखो, देखिए मेरे कैमरामैन को घुमाएंगे, वो देखिए किस तरह से दो दो शख्स जो है यहाँ पर लगातार रॉन्ग मारते हुए आ रहे। भाई साहब आप लोग रॉन्ग मार रहे हो, भाई आप रॉन्ग मार रहे, देखिए कोई यहाँ रिस्पॉन्स देने को। भाई रॉन्ग मार रहे हो, ये देखिए, ये भी देखिए फैमिली के साथ है, फिर भी ये शख्स इन्होंने रॉन्ग मारने की तैयारी में थे। देखिए जब मैं आपको यहाँ एक चीज निष्पक्ष कर दूं कि जब किसी खेत में किसान एक पुतला लगाता है तो उसके बाद वहाँ पे परिंदे वहाँ नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते कि परिंदों को लगता है कि किसान वहाँ खड़ा है, मगर वो सिर्फ एक पुतला रहता है। वही उसी तरह का ट्रीटमेंट अगर यहाँ किया जाए, यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़े कर दिया जाए, तो हो सकता है कि लोग यहाँ से पुलिस वाले को देख के डर के जो रॉन्ग मारते हैं वो रॉन्ग मारना बंद हो जाए। मगर ये अलग अलग चीज़ हो गई, मैं आपको जस्ट एक मिसाल दिया। आप रॉन्ग कहाँ जा रहे थे? आप कहाँ जा रहे हो? ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहे हो ब्रिज के ऊपर। आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से लोग यहाँ पे रॉन्ग मार रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे? हाँ, लोग रॉन्ग मारते ही है, मारते ही है। अगर आप सही बोलोगे तो लोगों की भी गलती है, समझे? आप सही बोलेंगे ना लोगों को पागल बोलेंगे आपको। पहले ऐसे मैं भी करता था, तो मुझे पागल बोलते थे, समझे? देखा किस तरह से वो, देखिए, हाँ बोलता हूँ, वो देखिए टेबल सीट देखिए, इसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये टेबल सीट जो आ रहे हैं, ये देखिए वहीं से मुड़ गए आपने। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई अगर ट्रैफिक पुलिस वाला अगर खड़े रहेगा तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो जनता लगातार रॉन्ग मार रही है, एक्सीडेंट का वजह बनते जा रही है, वो रुक जाएगा यहाँ पर। सर भिवंडी की जनता टाइट कब होगी? जब तक आप उनके ऊपर फाइन नहीं मारोगे। अभी आप जकात वंजारपट्टी नाके पे जाइए, वहाँ सिग्नल लगाए, वहाँ कैमरा नहीं है, आरटीओ नहीं है, तो कोई सा भी रेड सिग्नल आए तो भी सिग्नल तोड़ के भिवंडी की जनता जाती है। भिवंडी की जो जनता है उनको कोई चीज़ का लेन लेवन नहीं है, बस हमें पहले निकालना। और ये जो है अभी रमजान महीने में इधर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें जो 3 व्यक्ति की जान जगह पे गई थी, जो हमने कवर किया था। हाँ, तो ये थोड़ा आरटीओ वालों को भी देखना पड़ेगा, जो यहाँ के आरटीओ है हमारे कल्याण। अभी बारिश की वजह से हुआ, इतना गहरा कि पहले भी था सर एक खड्डा, तो बारिश की वजह से हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से हर साल होता है। अच्छा, आप उधर देखिए और इधर जाके देखिए, और आप खाली 200 मीटर की दूरी पर जाओगे महेश चौगले साहब के ऑफिस है, और ये वार्ड उनके इसमें आता है, वो भी तवज्जो नहीं देते। अच्छा, हाँ,
और ये राइस शेक का है, राइस शेक भी उसमें का... अच्छा, ये डिवाइडर है यानी इस तरफ राइस शेक, इसका एमएलए का हिस्सा है उस तरफ वेस्ट के। हाँ, ये माय चोगले का हिस्सा ये है। अब यहाँ से आप जगह का देख लो, कम से कम इंसान की हालत, अब एम्बुलेंस जाने में आप देख लो कितनी तकलीफ हो रही है, आप देख लो। अच्छा, रोड खराब होने की। हाँ देख लो आप, ऐसे तो पेशेंट और गाड़ी में मर जाता है। कहना यही है कि भिवंडी की पब्लिक सुधरने वाली नहीं है, चाहे वो एक्सीडेंट से मरे चाहे खड्डी खुड्डा से मरे, मरना पसंद करती है मगर कानून को फॉलो नहीं करती है। सबसे बड़ी बीमारी भिवंडी की पब्लिक और भिवंडी की आवामी, और दूसरी बीमारी ये है कि नगर पालिका सबसे बड़ी चोर। आज भिवंडी में इतने खड्डे हो गए, वो खड्डे के अंदर जरा सी भी मट्टी तक नहीं डाल रहे वो लोग, कि मट्टी डाले एम्बुलेंस आ रही है जा रही है, पब्लिक आ रही जा रही है गिर रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, लोग को तकलीफ हो रहा है, उनको ये चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हर चीज़ तो ये। और दूसरी बात ये, हमारे एरिया के एमएलए साहब से तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। भिवंडी शहर में 2 MLA एक मंत्री है और भिवंडी सबसे घटिया शहर हो गया है। ये सिटी नहीं है, इसे महानगर पालिका कैंसिल करके इसको वापस नगर पालिका लेके आ जाओ। मेरी ये रिक्वेस्ट है दोनों MLA से और सांसद से। आपका कहना ये है कि यहाँ की जो ये सब स्थिति है इसकी कुछ हद तक जिम्मेदार जनता खुद है? जनता पहले, सबसे बड़ी जनता तो खुद है कि उनको ही मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि हमारे भिवंडी अच्छी तरीके रहे, और दूसरी बात हमारे भिवंडी में अच्छा रोड रहे, अच्छा सड़क रहे, बिजली रहे, पानी रहे, इससे कोई चीज़ से मतलब नहीं। या नगर सेवक हो चाहे आमदार हो चाहे मंत्री हो, ये लोग तो अपना मनमानी करते ही है, प्लस पब्लिक उससे बड़ी बेवकूफ आदमी है, वो मतलब खुद नहीं चाहती कि हम सही से चले, हम सही से रहे, हम कानून को फॉलो करें। आज संडे का दिन है, दोनों साइड जाम है, पूरा दुनिया भर इकट्ठा हो गया है, फिर भी लोग आ रहे जा रहे हैं। भाई साहब क्या कहेंगे आप, किस तरह से यहाँ पर लोग रॉन्ग चल रहे हैं और काफी खट्टे हैं? आए दिन एक्सीडेंट जो होते हैं और गाड़ियाँ जो पलटी होती है, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? ये महानगर पालिका, ये आज जो ये काम हो रहा है, ये समझ लो जो कंट्रैक्ट जो दे रहे हैं ना, ये सही कंट्रैक्ट नहीं हो रहा है, और पानी जब आता है तो पूरा खड्डा हो जाता है और गाड़ियाँ रिक्शा तो पलटी होती है यहाँ पे। लोग रॉन्ग मार रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? रॉन्ग क्या मार रहे हैं, उसको थोड़ा सा डिवाइडर और आगे बढ़ाना चाहिए, और उधर जाली रखी थी 4-5, वो जाली रातों रात गायब हो जाती है, कहाँ जाती है पता नहीं। हाँ, और उल्टा वो जो खड्डा है, वो खड्डे को बार बार वहाँ पे धक्का मारना पड़ता है, गाड़ी वहाँ फंस जा रही है, और कई 8-10 लोग को भेज के वो गाड़ी को निकालना पड़ रहा है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है,